हाउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। थोड़ी सी बायोग्राफी लेके आए आपके लिए छोटी सी। हबीब अहमद जालब साहब, मशहूर शायर और इनकलाबी शायर जिन्हें कहते हैं। आपका नाम है हबीब अहमद था और 24 मार्च 1928 होशियारपुर में आप पैदा हुए। शायरी की आपने, लेकिन इनकलाबी शायरी की। डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट भी खड़े रहे, भुट्टो साहब से कुछ लगाव था, उनका कुछ साथ दिया एक ज़माने में, लेकिन जिस वक्त भुट्टो साहब इक्तदार में आए तो जालिब साहब थोड़ा सा पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि आपने जो वादा किया था वो नहीं पूरा किया, जबकि दोस्ती थी इनकी आपस में बहुत ज़बरदस्त। और कई दफ़ा अपनी शायरी की वजह से, इनकलाब की वजह से आपको जेल भी जाना पड़ा, मुकदमात भी भुगतने पड़े। 12 मार्च 1993 में लाहौर में आपका वसाल हो गया और यहाँ सब्ज़ाज़ार के करीब एक शाह फरीद कब्रिस्तान है, वहाँ पे आपको मदफून किया गया। तो ऐसे इनकलाबी शायर पहले होते रहे हैं, लेकिन अब वो भी नहीं होते, क्योंकि बड़े हौसले की बात होती थी कि हुक्मरान के होते हुए उसकी मुखालफत में कोई बात कर देनी। जालिब साहब ने कभी मसलहत पसंदी से काम नहीं लिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बयान करते थे। एक दफ़ा आप अदालत में चले गए, वहाँ पे भी आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान किया, तो आपको इनका इनकी एक नज़म कह लें, गज़ल कह लें, जो वाक़या है वो भी बीच में मैं बयान करता हूँ, ज़रा सुन। अब ये मैं नज़म आपको सुनाना चाहता हूँ, जो हर दौर में ये जो मुशीर हजरात होते हैं, एडवाइज़र, जो इसके ज़ियाउलक के भी जो हैं, जो खुदा का नूर और बाशूर कहते हैं डिक्टेटर को, इसकी शान नज़ूल ये है कि एक दफ़ा हफीज़ अंदरी साहब से मुलाकात हो गई, वो अनारकली, पुरानी अनारकली के करीब। तो मैंने उनसे पूछा कि हुजूर क्या हाल है, आजकल क्या कर रहे हैं? वो गुफ्तगू यूं क्या करते थे जैसे कर्ज दे रहे हों किसी को। वो मैंने कहने लगे मैं बड़ा मसरूफ हाँ, ऊपर उसका मैं एडवाइजर हूं। मैंने कहा खुदा के एडवाइजर हो गए आप? कहने नहीं, और तू नहीं जानता अयूब खान का एडवाइजर हो गया हूं मैं, रात को 3 बजे भी बुला लेता है मुझे, अब बता हफीज क्या करूं, मेरे पास फुर्सत नहीं बात करने। और मैं उन्हें यह कहा कि जड़े काले कोट वाले वकला है इन्हें भी डंडा रख, मुसलमान डंडे की ही डंडा ही का गायक है, उस पर भी डंडा रख, और एक शायर मैं नहीं मानता करता फिरता, इस पर भी डंडा रख तो जेल में डाल। तो इस पर मैंने एक नज़्म बना ली, मैंने उससे ये कहा ये जो 10 करोड़ हैं जेहल का निचोड़ है, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है इनकी मौत हो गई, बेशऊर लोग हैं जिंदगी का रोग है, और तेरे पास है इनके दर्द की दवा। मैंने उससे ये कहा ये जो 10 करोड़ हैं जेहल का निचोड़ है, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है इनकी मौत हो गई, बेशऊर लोग हैं जिंदगी का रोग है, और
तेरे पास है इनके दर्द की दवा। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, तू खुदा का नूर है, अक्ल है, शऊर है, कौम तेरे साथ है, तेरे ही 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 वजूद से मुल्क की नजात है, तेरे ही ही वजूद से मुल्क की नजात है। तू है मेरे सुबह नौ, तेरे बाद रात है, बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद हैं, इनकी खींच ले जबान, इनका घूंट दे गला। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, जिनको था जबान पे नाज, चुप है वो जबान दराज। ये दौलताने और वगैरह वगैरह जो जिनको था जबां पे नाज, चुप है वो जबां दराज। चैन है समाज में, बेमिसाल फर्क है कल में और आज में, अपने खर्च पर है कैद लोग तेरे राज में। उससे ये कहा, चीन 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 अपना यार है, चीन अपना यार है, उस पे जान सार है, पर वहां है जो निजाम, उस तरफ ना जाइयो। उस उसको दूर से सलाम, 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम, जिनका नाम है अवाम, क्या बनेंगे हुक्मरां, तू 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 यकीन है ये गुमा, अपनी तो दुआ है ये, सदर तू रहे सदा। मैंने उससे ये कहा, सदर तू रहे। हर दौर में ऐसे शायरों की, ऐसे साफियों की, ऐसे सियासतदानों की और इदारों में ऐसे लोगों की ज़रूरत रहेगी और हर मुल्क को रहती है। तो ऐसे दबंग किस्म के शायरों और नौजवानों और इदारों के सरबराहों को सलूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए और खराज अकीदत पेश करनी चाहिए। शुक्रिया, फिर होगी आपसे मुलाकात नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।